अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे चौथे और लास्ट सब टॉपिक से जिसका नाम है ई एंड ऑक्सीडेटिव फॉसफोराइलेशन तो क्लास अब तक हमने बहुत सारी एनर्जी स्टोर कर ली है रिड्यूस कोइनजाइम के फॉर्म में अब उन रिड्यूस कोइनजा से एनर्जी ड्राइव करने की प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेसन तो इस प्रोसेस में रिड्यूस कोइनजाइम्स के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है और एंड में ऑक्सीजन को और एंड में ऑक्सीजन उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है तो गाइस यहां यूज होता है ऑक्सीजन का इसके बाद इस प्रोसेस से हमें मिलती है एनर्जी ए की फॉर्म में तो क्लास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है माइटोकॉन्ट्रिया के इनर मेम्ब्रेन्स में इसी मेम्ब्रेन में वो सारे एंजाइम और कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हुए एंड में ऑक्सीजन को दे देते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के उन कॉम्प्लेक्सेस का नाम है कॉम्प्लेक्स वन जो है एन ए कॉम्प्लेक्स टू सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स थ्री साइटोक्रोम बी सी वन कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स फोर साइटोक्रोम सी रिडक्टेज और एंड में होता है ए टी पी सिंथेज जहां हमारा ए टीपी सिंथेसाइज होता है तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कॉम्प्लेक्स वन से लेके कॉम्प्लेक्स फोर तक जाता है और एंड में ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है तो अब हम इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे शुरुआत करेंगे पहले कॉम्प्लेक्स से और दूसरे कॉम्प्लेक्स से ये दोनों कॉम्प्लेक्स ही अपने इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को देते हैं जिसे हम कहते हैं यूबी क्विनॉन यूबी क्विनॉन इन दोनों से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जाता है जिसे हम कहते हैं यूबी क्विनॉल गाइस याद रखने वाली बात यह है कि हर एक स्टेप में जहां इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं उस स्टेप में प्रोटोन मेट्रिक से इंटरमेमबरेन स्पेस में पंप होते हैं जिस वजह से इंटरमेम्बरेन स्पेस में एक प्रोटोन ग्रेडियंट बिल्डअप हो जाता है तो अगले स्टेप्स में यूबी क्विनॉल अपने इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स थ्री साइटोक्रोम बी सी वन कॉम्प्लेक्स को देता है इलेक्ट्रॉन्स तो, देने के बाद यूबिक्विन बना लेता है और साइटोक्रोमसी जो कि एक मोबाइल कैरियर है वो इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट रहता है इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स थ्री से कॉम्प्लेक्स फोर तक लेके जाना तो साइटोक्रोमसी अपने इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स यानी साइटोक्रोम सी को डोनेट कर देता है यहां कॉम्प्लेक्स फोर से, से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है ऑक्सीजन गाइस ये वो ऑक्सीजन है जो एरोबिक रेस्पिरेशन में यूज होती है इसे फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं क्योंकि यहां के बाद से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो जाता है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिएक्ट करके वाटर बना लेता है तो अब तक जितनी बार भी इलेक्ट्रॉन्स इन कॉम्प्लेक्सेस पे स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफर हुए हैं उतनी बार प्रोटॉन्स मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप हुए हैं इस वजह से जो प्रोटोन ग्रेडियंट बनता है उससे एटीपी सिंथेसिस होता है और इस सिंथेसिस को करता है एटीपी सिंथेस क्लास ये एटीपी सिंथेस का डायग्राम है एटीपी सिंथेस के दो सब यूनिट्स होते हैं नीचे वाला यानी कि राउंड पार्ट होता है एफ पार्टिकल और ये ट्यूबुलर पार्ट जो कि रोटेट करता है यह होता है एफ पार्टिकल और अब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जहाँ पे प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा जमा हो गए थे वहां से प्रोटॉन्स अंदर आते जाएंगे और एफ वन पार्टिकल एडीपी में इनऑर्गेनिक फास्फेट अटैच करके एटीपी को सिंथेसाइज़ करता जाएगा ऐसे सिंथेसिस होती है हमारे एटीपी की